जोधपुर में अब तक 9 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि हमारा लक्ष्य विदेश से आए लोगों की स्क्रीनिंग करना है, जिसके चलते ईरान से आए उनमें से एक व्यक्ति जो लद्दाख से आया था वो पॉजिटिव निकला है। वहीं एक व्यक्ति बाली से आया था वो भी संक्रमित निकला है। अब तक जोधपुर में 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रशासन मेडिकल टीम का प्रयास है कि हम इस चेन को तोड़ें, क्योंकि अभी तक जितने भी विदेश से लोग आए हैं वे सस्पेक्टेड हैं, इसलिए उनकी जांच की जा चुकी है। सोमवार को एक यूके से आया स्टूडेंट भी जांच में पॉजिटिव पाया गया। थे हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि जो विदेश से आए हुए हैं जहाँ के सस्पेक्टेड लोग ज़्यादा हैं उन सबको हमने क्वारंटीन किया जीत कॉलेज, और उन सब के सैंपल लिए। उसमें एक यूके की लंदन की ट्रेवल हिस्ट्री वाला स्टूडेंट है, उसका सैंपल पॉजिटिव आया। तो ये हमने जो प्रोएक्टिव टेस्टिंग की तो उसकी वजह से एक और जोधपुर के पॉजिटिव आए, तो टोटल मिला के जोधपुर के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि जो कोरोना की चेन है इसको हम ट्रेस करके और इस चेन को तोड़ें ताकि आगे संक्रमण न फैले। इसके अलावा आर्मी के क्वारंटाइन सेंटर में 25 तारीख को ईरान से जो आए थे उसमें से एक लद्दाख निवासी, उनको भी पॉजिटिव आया है और उनका भी एमडीएम में उपचार चल रहा है। सर आज और कुछ सुनने में आया है पॉजिटिव आया है, कितने जनों का आ सकता है? आज 2 जनों का एमडीएम के लैब में पॉजिटिव आया है। एक जो हमने क्वारंटाइन सेंटर में जीत कॉलेज में हमारे यहाँ पे थे स्टूडेंट लंदन से जो आए थे, और दूसरे आर्मी के क्वारंटाइन सेंटर में जो थे उनके। सर टोटल कितने हो गए? टोटल जोधपुर के 7 हैं, और इसके अलावा एक लद्दाख के हैं और एक पाली के, वो भी एमडीएम में भर्ती है। 9 हो गए सर। हाँ जी, जोधपुर में अभी 9 लोग भर्ती। सर जैसलमेर से कुछ सुना जा रहा है, जैसलमेर से भी कुछ आया है? एम्स में जैसलमेर के क्वारंटाइन सेंटर के जो सैंपल हैं वो आए थे, उसमें भी